नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में हेल्थ कार्ड में। सामान्यतया गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग गुर्दे की पथरी की वजह से परेशान होते हैं। गुर्दे में पथरी होती है, बहुत जन को पेशाब की नली में पथरी फंस जाती है, पेशाब की थैली में पथरी हो जाती है जिससे पेशाब रुक जाता है, बहुत खतरनाक तरीके से पेट दर्द होता है, उल्टियाँ होती है, मितली आती है। उसके इलाज के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी मेडिसिन है। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पथरी कहाँ कहाँ हो सकती है, तो उसके लिए पहले अपने को यूरिनरी सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर समझनी होगी। सबसे पहले उसमें गुर्दे का रोल आता है, उससे पेशाब की नली निकलती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है जिसको अपन पेशाब की थैली बोलते हैं, जिसके अंदर पेशाब जमा होता है और फिर वहाँ से यूरेट्रा के थ्रू पेशाब शरीर से बाहर निकलता है। तो पथरी जो है वो गुर्दे के अंदर हो सकती है। गुर्दे के अंदर से जो पेशाब की नली निकलती है उन दोनों के जंक्शन में हो सकती है, पेशाब की नली में हो सकती है और पेशाब की थैली में हो सकती है। तो पेशाब की थैली के अंदर, गुर्दे के अंदर या पेशाब की नली के अंदर जो पथरी होती है उसको ट्रीट करने के लिए मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन दवाई बताता हूँ। होम्योपैथी में एक दवाई आती है बर्बरी वल्गेरिस क्यू, क्यू का मतलब होता है मदर टिंक्चर, जिसको अपन क्रूड मेडिसिन भी बोल सकते हैं। बर्बरी मदर टिंक्चर क्यू को लेने का तरीका ये होता है कि मदर टिंक्चर को 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेना है, उसके आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद में कुछ भी नहीं खाना है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है जो पथरी के लिए काम करती है, जिसमें रैकवेज कंपनी का R27 ड्रॉप होता है जो पित्ते, जो गुर्दे की पथरी के लिए और पेशाब की थैली की पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अडेल कंपनी का 22 ड्रॉप होता है, रेनिलिक्स ड्रॉप 22 अडेल, वो भी पथरी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप चाहो तो बर्बरी वल्गेरिस मदर टिंक्चर के साथ में ये दोनों मेडिसिन, या दोनों में से कोई, दोनों तो साथ में नहीं ले सकते लेकिन कोई एक मेडिसिन, या तो अडेल का 22 रेनिलिक्स ड्रॉप या रैकवेज का R27 ड्रॉप, बर्बरी वल्गेरिस क्यू के साथ में आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में तो आप, अगर आपको पथरी है, रिसेंट में पेन हुआ है, तो पथरी की वजह से क्या होता है कि गुर्दे के अंदर पेशाब की थैली के अंदर, पेशाब की नली के अंदर इंजरी हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन ले सकते हैं, ऑफ्लॉक्सेसिन ले सकते हैं और नाइट्रोफ्यूरांटिन ले सकते हैं, पेन किलर कोई भी ले सकते हैं, एसिक्लोफिनेक पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एसिक्लोफिनेक ड्रोटावरिन का ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, उल्टी और मितली आती है तो उसके लिए आप पेंटोप्रोजोल या इसोमेप्रोजोल वगैरह ले सकते हैं। उसके साथ में अगर आपके अगर पेशाब में जलन हो रही है तो एक एल्केलाइजर सिरप है, Stone 1B6, Magstone B6, Portrait B6, इसको भी आप 10-10 ml एक गिलास पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक दवाई भी है जो बहुत साल से मार्केट में अवेलेबल है, आईमिल फार्मा की नीरी सिरप। ये एक पूर्णतया आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दवाई है, लिक्विड है, 200 ml के कंटेन में आता है। इसको आप 10 ml सुबह शाम दोपहर एक गिलास पानी में 3 बार ले, इससे भी पथरी के घुलने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है और पेशाब के रास्ते से पथरी बाहर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में बर्बरी वल्गेरिस बताया है, उसी के अंदर होम्योपैथी की कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो कंपनी कॉम्बिनेशन बना के देती है उसमें रैकवेज का R27 ड्रॉप, एडेल का R22 ड्रॉप, आप बर्बरी वल्गेरिस क्यू के साथ में रैकवेज का R27 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बर्बरी वल्गेरिस क्यू के साथ में अडेल का 22 रेनिलिक्स ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ड्रॉप जो है वो 15 से 20 बूंद एक कप पानी में आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना होता है। एलोपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बता दी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना होता है। एलोपैथिक में आगे सर्जरी का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर मेडिसिन से अगर
स्टोन नहीं निकलता है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। पहले चीरा लगा के सर्जरी की जाती थी, अब लेजर की तकनीक आ गई है तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, आप वो चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो गुर्दे की पथरी के बारे में था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो आसानी से मिल सके और आपको नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार।